एक बेटी का अपने पिता से सवाल, क्या कहते हैं? सुन बाबू बेटी के योगे ना तो होवे, जब जन्मे कोई गुड़ बिना बंटे करके विदाई रोवे क्यों करके विदाई रोवे। जब बेटियां पैदा होती हैं कोई गुड़ बांटने की हिम्मत नहीं करता, और जब बेटियां विदा होकर जाती हैं अपनी ही नहीं पड़ोसियों की आंखों में भी पानी होता है। एक बेटी का अपने पिता से सवाल, क्या कहती है? सुनिए। सुन बाबुल बेटी के गेला योगे ना तो होवे, जब जन्म में कोई गुड़ बिना बटे करके विदाई रोवे क्यों करके विदाई रोवे। सुन बाबुल जब जन्मे कोई बेटा घर में सारे खुशी मनावे, कोई लड्डू कोई बर्फी कोई रसगुल्ले बनवावे, कोई दारू के पैप लगा के डीजे ढोल बजवावे, कोई मंदिर में नंगे पैर जाके शुक्र मनावे, जाके शुक्र मनावे। बेटी के जन्म पे गेट पे, बेटी के जन्म पे गेट पे नीम टंगा ना होवे, जिस जन्म में कोई गुड़ बिना मने करके विदाई रोवे क्यों करके विदाई रोवे। बेटा पैदा हुआ, किसी ने लड्डू बांटे, किसी ने बर्फी बांटी, किसी ने दारू पिलाई, कोई मंदिर में जाकर डब्बा देकर आया, लेकिन जब बेटियां पैदा होते हैं घर के आगे कोई नीम तक नहीं डालता। बेटे के होने पर टांगते, लेकिन बेटी के होने में जब मैं भजन मैंने लिखा था, बड़ी बूढ़ियों से पूछा, माता नीम क्यों टांगते? आजकल गेट भी ऐसे हो गए नीम टंगता नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं रख के जाते हैं। माता ने कहा कि खुशी का प्रतीक होता है ये, तो भाई नीम तो कड़वा होता है, खुशी का प्रतीक कैसे हो गया? और जब हम आखिरी समय में किसी के साथ शमशान पे जाते हैं वहां भी नीम टांगते हैं गेट के आगे, वो भी खुशी का प्रतीक नहीं? पिछले जमाने में बेटा या बेटी कोई भी बच्चा पैदा होता था ढेर सारा नीम टांगते थे उस गेट के आगे, जिस गेट के अंदर जच्चा और बच्चा होता था। नीम एक औषधि है, मच्छर मक्खी तंग ना करे जच्चा और बच्चा को, इसलिए नीम टांगते थे। आजकल बेटा होने के बाद आज भी टांगते हैं, लेकिन बेटी के होने पर कोई नीम नहीं, क्यों? बेटे नहीं मरिया करते किसी, ऐसी बोलते। जब बेटा पैदा हुआ सबने खुशी मनाई, लेकिन जब बेटियां पैदा होती हैं क्या हाल होता है हमारे घर का, सुनो जरा। जब मैं पैदा हुई किसी ने आके दे बधाई ना,
मेरी माता के सिवा किसे ने छाती गेल्या लाईगा मैंने देख के नाक चढ़ावे बाबुल के मैं तेरी जाई ना तू है तो मैंने जग में लाया मेरा बेटे पाई रस्ते से नहीं मिलती बेटिया पिता की नाक चढ़ गई कैसे पार्टी करो बेटी होगी बेटे के होने पर पार्टी करनी थी बेटी होगी कैसे करो अरे बेटी के होने पर कौन सी पार्टी नहीं हो सकती उससे बड़ी हो सकती है और क्या बेटी घर का हिस्सा नहीं है बेटी के बिना बेटे होंगे नहीं बेटी के बिना बहुएं आएंगी नहीं और अगर वो बेटी पैदा हुई है तो उसमें बेटी का क्या कसूर है कसूर तो माँ बाप का है ना जो जिस बेटी को भी माँ बाप पैदा करते हैं और बेटी को भी माँ बाप पैदा करते हैं बेटी का तो फिर कसूर बेटी के जन्म पे सबकी बेटी के जन्म पे सबकी आंख नीरिक जावे जिमिशन में गुए गुड़ बिना बाटे करके विदाई रोवे क्यों करके विदाई रोवे चार अवस्थाएं अपने घर के अंदर औरत की बेटी बहन पत्नी और माँ चार अवस्थाओं में क्या हाल है सुनो जरा ध्यान से सुनो हाथ जोड़े के पूछू मालिक तेने ऐसी जुद बनाई क्यों कदे बाप ने पगड़ी बना ली कदे आन बनावे भाई क्यों कदे पति की सेज बिछा के बिछगी अब बिछाई जो कभी बाप की पगड़ी बन गई कभी भाई की आन बन गई अगर पढ़ लिख के कुछ बन गई मेरी आन मेरी शान मेरी पगड़ी पैदा होने से पहले तो मारने की कोशिश होती है क्यों हो गई इतनी क्यों हो गई देखो आप सब इस बात से सब जानते हैं इस बात एक एक माँ डॉक्टर के पास गई गोद में एक छोरी की उंगली पकड़ गई कहने लगे डॉक्टर साहब एक बेटी मेरी कोख में है एक बेटी मेरी गोद में है बेटी एक ही चाहिए डॉक्टर समझ गया कहने लगा ठीक है जिसको जो गोद में है ना उसको इंजेक्शन लगा देते हैं नहीं नहीं ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है जो कोख में है वो किसका टुकड़ा है इसको मार देते हैं ना पैदा होने से पहले तो मारने की कोशिश होती है कोई बन गई तो मेरी मेरी शान मेरी पगड़ी और चौथी अवस्था माँ की जो माँ इस दरबार से बेटे मांगने आती है वो सुनो अपना जमना बेटा भी अपना जमना बेटा भी लुगाई तू Hey!
समझ में आया किसी को, जिसको समझ में आया, पसंद नहीं कहता, पसंद सभी को नहीं आता, जिसको समझ में आया हो वो सुनो कि ये था कि बेटियों की कदर नहीं है, ये मैंने बताया नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, कैसे हो सकती है, ये सुनने की कोशिश करना कि बेटियों की कदर क्यों नहीं है और कैसे हो सकती है। सुनो जरा, के जाने कविताई महादुर ऊपर आला लिखावे, औरत ने खुद औरत की जग में दुश्मन बतावे, औरत औरत की दुश्मन क्यों, सास बहु बन ननद जिठाई आपस में सतावे, आपस में सता रहे, कभी सास बनकर कभी बहू देवरानी जेठानी बनकर, इसलिए बेटी की कदर नहीं है। एक पिता अपनी बेटी की शादी बड़े अरमानों से करता है और सारे जीवन की कमाई इकट्ठी करके बेटी की शादी के लिए, उसके बाद भी पिता को कई बार प्लाट बेचने पड़ जाते हैं, मकान बेचने पड़ जाते हैं, कुछ पिता तो लोन लेके शादी करवाते हैं अपनी बेटी, लेकिन मांगने वाले हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बेटी ये तो ठीक है चल जाए। देखो हमारे बाड़ियों में पैसे खुलते हैं, कितने लगे है ना, अब नहीं खुल, हाँ बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ कहेंगे अगलियों की तीर जाइयो, अगलियों का मान सम्मान करियो, अंगूठियां मंगवाते हैं, लेकिन उस पिता से पूछो जो देता कहां से दे, सबका मान सम्मान। अच्छा देखो, हमारे से कोई पेन मांग ले तो उसकी कैप उतार कर देते हैं, लेकिन उस पिता से पूछो जिसकी बेटी भी गई और सारे जीवन की कमाई भी, उसके बाद भी शायद मकान भी बिक जाएगा, लोग झांकते हैं पूछते हैं कि वो किसकी लेके आई, क्यों झांकते हैं कैंटर के अंदर, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि वो छोड़ के क्या क्या आई। जिस दिन ये समझ जाओगे तो बेटी की कदर हो जाएगी, क्या क्या छोड़ के आती है सुनो जरा। सांबले तेरे गुड़िया पटोले, लहा चुकी मैं तेरी अखिया तोले, लहा चुकी मैं तेरी अखिया तोले, ओ मेरा दूर खड़ा रोवे किसे ने चुप कराया नहीं, कहा रो डोलना चाहो अजे मेरा बाबू ले आया ने। भाई को रोता हुआ छोड़ कर आती है, पिता को रोता हुआ छोड़कर आती है और लोग पूछते हैं कि लेकर क्या आया। देखो उनसे पूछो जो छोड़कर आती है, अपने बेटे होते ना अगर 10 दिन बाहर रह जाए नहीं रह सकते, उन बेटियों से पूछो एक बार चली गई सो चली गई, ये बेटियों की हिम्मत होती है, दूसरे घर में चली गई तो चली गई, ये कैसे हो सकती है। देखो ये कदर कैसे हो सकती है सुनो जना, ज्यादा नहीं मैं हो गया इधर, हमारे घर में जब बहुएं आती है ना हम लोग दिखाने निकल पड़ते हैं, ये लेकर आई वो लेकर आई देखो ये आई हो, और लोग आते हैं देखने आते हैं और देखकर यूं नहीं कहते कि बहुत लेकर आई, यूं कहेंगे कि ये नहीं लेकर आई, नरेंद्र की अंगूठी नहीं लेकर आई, जवाई की अंगूठी नहीं लेकर आई, नणंद की पायल नहीं लेकर आई, बाड़ियां नहीं लेकर, ऐसी कमियां निकाल कर जाते हैं लोग। और जो सास बुरी नहीं होती, कोई माँ बुरी होती है क्या, कोई माँ बुरी नहीं होती, बुराई कहाँ है, वो सास अपने बेटे को इतना 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 होते देखती है, कब मेरा बेटा बड़ा होगा उसका ब्याह करूंगी बहू आएगी सेवा करेगी, सास बुरी होती है, सास बुरी नहीं होती, आरती करके एंट्री करवाती है बहू की, सास बुरी होती है नहीं, तो बुराई कहाँ है, बुराई कहाँ है, जो लोग आते हैं ना वो आग लगाकर चले जाते हैं,
तभी लड़ाई शुरू होती है। और यूं कहोगे हाँ तेरे बाप ने अकल ली थी, तेरे बाप ने ये कर दिया, तेरे बाप ने वो कर दिया, लड़ाई शुरू। इसलिए होता हूँ ये, मैं तो कहता हूँ लेना छोड़ो, क्योंकि जिस पिता ने दे दिया ना बेटी दे दी, उसके पास रहता भी कुछ नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने पिता को कर्जे में दबा कर आएगी ना, वो आपको छोड़ेगी नहीं, आपको भी कर्जे में दबाएगी। ये ध्यान रखना। और अगर किसी के बाप ने आपको गिफ्ट दे भी दिया, वो दिखाना छोड़ दो लोगों को, क्योंकि लोग आते हैं और आग लगा कर चले जाते हैं। अपने तो लाख गुनाह को छिपा लेते हैं लोग, अपने तो लाख गुनाह को छिपा लेते हैं लोग, और कोई सांस भी ले तूफान उठा लेते हैं लोग, और कोई सांस भी ले तूफान आपस में सतावे, जे आ जायो बात समझ में औरत पूछी जावे, औरत पूछी जावे, जग की जननी इस जग न जन के, जग की जननी इस जग न जन के, क्यों जग में तक्के खावे, पसंद आया होगा। पीछे वाले सुन रहे थे आप जो, देखो ये तालियां, मैं तालियों के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर पसंद आया हो तो आज के बाद अपनी बेटियों की ना छोटी छोटी फरमाइशें पूरी कर दिया करो, बेटियों की छोटी छोटी, बड़ी नहीं बोलूंगा, बड़ी मत किया करो, क्योंकि बड़ी की आदत अगर बढ़ गई बेटियों को तो आगे जाकर उनकी कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, भी आगे जाकर कोई उनकी पूरी करेगा कि नहीं करेगा, यही पूरी कर दिया करो, क्योंकि बेटियां एक ना एक दिन बड़ी हो जाती है और वो एक ना एक दिन आपको बोल के जाएगी, आली माए मिले गले चले हम ससुराल चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम ना नजर आएंगे, आंचल में छिपा लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको, अब हम तो बड़े परदेसी, बड़ी होती है ना ऐसा ही सगाई करके आते हैं ना, सबसे पहले सर पर हाथ रखते हैं बेटी की, जब सगाई करके आओगे सर पे हाथ रखोगे, क्यों? क्योंकि उसी दिन से बेटी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि आज के बाद इसका एक दिन रह गया, दो दिन रह गए, जिस दिन की बारात आती है उस दिन बेटी अपनी होती है, बेटी अपनी होती है, लेकिन जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आता है ना, माता पिता को सुना सुना सा लगता है, लेकिन तब भी बेटी अपनी होती है, तब जब पंडित जी बोलते हैं ना कि दुल्हन को लेकर आओ, तब माँ बाप को अपने घर में सुना सुना सा लगने लगता है, क्योंकि अब तो बेटी बाहर आ गई, और पिता मैं सच बोलता हूँ, पिता झूठ बोलकर पंडित जी को झूठ बोलकर जाता है कि पंडित जी एक मिनट के लिए आता हूँ, तो हलवाई बोला, हलवाई के बहाने कहीं ना कहीं रोकर आता है बेचारा, क्यों? तब भी बेटी अपनी होती है, लेकिन जब बेटी इधर बैठी थी तब तक, जब बेटी इधर से इधर आ गई ना, उसके बाद
अगर बेटी कह देना कि पापा एक दिन के लिए रख लो, पापा कहते हैं अब मेरे वश में। अपनी सास से पूछना, अपने अपने पति से पूछना, जो बेटी 21 साल हमारे घर में बड़ी होती है ना, उस दिन इधर से अगर इधर आ गई तो उस दिन के बाद अपने घर पर उसका अधिकार नहीं रहता। जो बेटियां इतना सजाती है अपने घर को, पापा यहाँ ये लगना चाहिए, पापा यहाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उस बेटी को नहीं पता होता कि वो जो घर सजा रही है उसका, जो घर बनवा रही है उसका नहीं है। क्या करें बेटी इतने से चावल हाथ में ले यू फेंकती, पीछे मुड़कर नहीं देखती। क्यों? कि मेरा यहाँ कोई नहीं, अब मेरा यहाँ कोई नहीं, अब मेरा यहाँ कोई नहीं, अब मेरा यहाँ कोई नहीं। चिड़िया का चंबा होती है बेटियां, चिड़िया का चंबा होती है बेटियां, खाकर एक आंगन से दाना दूसरे आंगन उड़ जाती है बेटियां। बेटा तो करता है एक कुल को रोशन, दो कुलों की शान होती है बेटियां। और जो बेटियां ये मेरा भजन सुन रही है, वो बेटियां जो यहाँ बैठी है वो ध्यान दे, मैंने उनको दो कुलों की शान बोला है। वो बाप की भी शान होती है और ससुर की भी शान होती है। कोई काम ऐसा ना करे जिससे उसके बाप भाई माँ की मान मर्यादा को ठेस पहुंचे, क्योंकि अगर एक बेटी गलत कदम उठाती है पूरे मोहल्ले की पूरे गांव की बेटियों की आजादी छीन कर जाती है। पढ़े पढ़ाए और ऐसा काम करके दिखाए कि हर बाप कहे ये है मेरी बेटी, हर भाई कहे ये है मेरी बहन। क्योंकि भक्तों चिड़िया होती है बेटियां, जो बेटियां गलत कदम उठाने की सोच रही होती है ना, मैं उनके लिए बोलता हूँ, चिड़िया होती है बेटियां, उनके पर नहीं होते, ससुराल भी होता है, मायका भी होता है, बेटियों के घर नहीं होते।